وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم कभी तैबा से ये पैगाम आए गुलामे जारा हूँ मैं तो अली का नौकर हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे का आगाज हो चुका है। इसी सिलसिले में मैं इफ्तिखार खारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन सब आप लोगों को दावत दी है। और हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे इस हल्के से नौजवान क़यादत को सामने लाया गया है जो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। वो आज एमपीए हाजी परवेज खान साहब को क्यों आए अपने ख्यालात का इजहार करें। है इंशाल्लाह वो इलेक्शन इस मुल्क की तकदीर संवारने जा रहा है। अरसा चार साल पिछले चार साल में जो मुल्क का सत्यानाश किया गया है, जो माशी तौर पर मुल्क पे ज्यादती की गई, जो मुल्क आज महंगाई का शिकार हुआ है, आज हर इंसान उस महंगाई से परेशान है। तो हम ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ एक शख्स का नाम नहीं है, मियां नवाज शरीफ एक तहरीक का नाम है, एक सोच का नाम है, एक वलवले का नाम है, एक जुरत का नाम है। मियां नवाज शरीफ के जो पाकिस्तान में काम हुए हैं इन कामों को अगर निकाल दिया जाए तो पीछे जीरो बचता है। मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मजबूत किया, एटमी कुव्वत बनाया। मियां नवाज शरीफ जब 2013 से लेकर 17 तक आए उन्होंने इस मुल्क की रोशनी बहाल की, मुल्क खुशहाल हो गया था। लेकिन बाज ऐसी कुव्वतें हैं जिनको ये हमारी खुशहाली, ये पाकिस्तान का मजबूत होना उन्हें पसंद नहीं था, उन्हें गवारा नहीं था कि यह पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तानी अवाम तरक्की करे, पाकिस्तानी अवाम खुशहाल हो। लेकिन उनकी इंशाल्लाह कोशिशें नाकाम हुई हैं और होती रहेंगी। मुल्क का वजीर आजम इंशाल्लाह चौथी दफा मियां नवाज शरीफ वजीर आजम होगा। आप लोगों ने हमें पानी फरमानी है कि 8 फरवरी को सुबह खुद भी अपने अजीजों कारब को भी लेकर स्टेशनों में जाना है और शेर के निशान पर मोर लगाकर आपकी सच्ची और दिली बेदारी का सबूत देना है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जब सूरज शुरू होगा तो पाकिस्तान उसको भी फतह की गवाही देगा। अगर मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा कर दूँ, हमें एक और जगह भी जाना है तो बातें कर रहे थे आपसे, का हिस्सा लिया आप सब लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो। आज इन्होंने विजिट किया है वहाँ पे ग्राउंड के लिए, जो साहब ने कहा मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ, इंशाल्लाह मैं ये मसला भी हल करूँगा अपने नौजवानों के लिए कि आने वाले वक्त में आपको स्पोर्ट्स की सहूलियात को मुहैया किया जाए। मैं दावत खिताब देता हूँ हम सब की जान चौधरी तनवीर अली खान। मेरी काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई इफ्तिखार खानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज ये अपने घर में हमें इज्जत बख्शी। मेरे दोस्तों, इलेक्शन इस इलाके का हमेशा से, क्योंकि हम पड़ोसी भी हैं और तमाम जमातों से बालातर होकर लोग हमेशा मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन आज इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने रखने इसलिए ज़रूरी हैं कि जो पिछला एक दौर गुज़रा आप गवाह हैं इस चीज़ के।
कर रहा था कि आज इस मुल्क की मईशत का जो पहिया हमेशा चलते चलते रोक दिया जाता है। ये सारे लोग पहले मैं हर शख्स जिसके साथ चलता है उसको हर एंगल से देखता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तीन चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। सबसे नंबर एक हमारा अपना दीन, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरा, ये मुल्क हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है जिसने हमें इज़्ज़त दी, पनाह दी, एक शनाख्त दी, वो मुल्क हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। और तीसरे नंबर पर सियासी हवाले से मैं अपनी जमात को उतना ही मोतबर समझता हूँ कि जितने पहली दो चीज़ें, और उसका मकसद या उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी होता है वो एक विजन, एक सोच, मियां नवाज शरीफ जिस लीडर का नाम है, आप लोग गवाह हैं इस चीज के कि वो सियासत से बिजनेस में नहीं आया। कि जब मियां नवाज शरीफ सियासत में आया तो उनका खानदान पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, एक मेहनत करने वाला खानदान था। उस वक्त भी वो अरबपति थे। 1971 में इत्तेफाक फाउंड्री के हवाले से आप देख लें, उस वक्त नवाज शरीफ सियासत में नहीं आया था। पाकिस्तान के अंदर जो पहली जीप एक गाड़ी बनी थी तो उसके आधे से ज़्यादा जो पुर्जे वो मियां नवाज शरीफ की जो फैक्ट्री थी उसमें बने। हमारे मुल्क के जो दिफाई इदारे थे, हमारे टैंक बनते थे और दिफाई चीज़ें बनती थी, उनका बहुत सारा सामान जब नवाज शरीफ सियासत में नहीं था तो उस वक्त भी वो अपने मुल्क के साथ एक मोहब्बत का इजहार काम करके किया करते थे। और उस वक्त के हुक्मरानों ने ये महसूस किया कि एक कारोबार करने वाला इंसान है तो क्यों ना इसको सियासत में लाया जाए। और जब मियां नवाज शरीफ को सियासत में लेके आए तो मेरे भाइयों आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि बींग ए चीफ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने जो अपने हलके के आवाम और जो रिस्पेक्ट अपने लोगों की उस वक्त बनाई, यकीन जानिए आज तो मुख्तलिफ हालात हैं। उस वक्त जो MP MNA होते थे नौकरियां उनके हवाले कर दी जाती थी कि अपने खानदान के या अपने इलाके के बच्चों को नौकरियां दिलवाएं। और ये एक प्रिंसिपल मियां साहब ने बना दिया था कि जिस MPA के इलाके से जो भी नौकरियां मिलेंगी उनको दी जाएंगी। उसके बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना तो एक हक और सच की बात करने के लिए उन्होंने 3 साल के अरसे में नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया। 3 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत आई और सजा मियां नवाज शरीफ को इसलिए दी जाती थी कि आज को इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए तरक्की बड़ी हो जाएगी, सड़कें बन जाएंगी और उसकी ज़ात के लिए, ये तो आज एक एक बिलियन के लिए ये भीख मांगते फिरते हैं जो पिछली गवर्नमेंट थी, कई बिलियन डॉलर की नवाज शरीफ को ऑफर थी। लेकिन उसके पास एक ही रास्ता था कि या तो चंद सड़कें बना देता, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा देता और या इस मुल्क की गैरत का सौदा ना करते हुए 5 के मुकाबले में 6 धमाके करता। और आपने देखा पूरी कौम सहमी हुई थी और जब मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क की दिफा के लिए वो एक बहुत बोल्ड स्टेप था जब उठाया तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। तीसरी दफ़ा जब नवाज शरीफ आया
तो मेरे भाइयों पहले साल, अभी एक साल भी नहीं गुजरा था, यहाँ पे जो धरना दिया गया था पार्लियामेंट के बाहर, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे कि जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का जो गौरव मुलतवी कराना चाहते थे, क्योंकि दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर जब आता है तो वो देखता है कि मेरा सरमाया क्या इस मुल्क के अंदर महफूज है या नहीं। तो जो सी पैक अनाउंस हुआ था तो वो उस वक्त लोग ये कहते थे कि अगर सी पैक का मंसूबा ये 4-5 साल में मुकम्मल हो गया तो इस मुल्क में कोई नौजवान, कोई ऐसा शख्स बेरोजगार नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा मंसूबा था कि हर इलाके के अंदर यहाँ पे नौकरियाँ मिलती। जो सी पैक बनने जा रहा था उसके अंदर आज आप अंदाज़ा लगा लें, पेशावर से लेके मुल्तान तक जो मोटरवे बनी है, लाखों लोगों का रोजगार उस पर जुड़ गया। तो हुकूमत के पास तो इतनी नौकरियां नहीं होती। आज आप देख लेती है, ये हमारा जरूरत से ज्यादा सियासी भर्तियां कर करके एक बहुत बड़ी एयरलाइन जो एमिरेट्स एयरलाइन जो हमने बना के दी थी वो आज दुनिया में कहाँ है, और ये जो हमारी पीआई है आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और इसी का एक नुमाइंदा ये टैक्स ने से वजीर बन गया था गलती से, उसने एक बयान दिया कि ये जितने भी पायलट हैं ये सारी जाली डिग्रियों के साथ आए। तो आप लोग गवाह हैं उस चीज के, जो उससे इतना नुकसान हुआ इस मुल्क की मईशत को, इस इदारे को, कि आज तक वो इदारा अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सका। तो काम करने के लिए भी टीम की और अकल की जरूरत होती है। आज मेरा एक भाई, बच्चा हमारा 6 महीने जेल काट के आया, यकीन जानिए कि बड़ा दुख हुआ कि जो नौजवान नस्ल है ये एक होप लेके चली थी। 4.5 साल का अरसा आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में शकूक व शुबहात बहुत पहले से अफशां हो चुके थे, हकीम सईद ने आज से 25 साल पहले के लिखा था कि यहूदी अब इस मुल्क के अंदर, बरतानिया या इधर इस मुल्क, इन मुल्कों के अंदर उनका कब्जा हो चुका है, अब इस रीजन के अंदर आएंगे और इस रीजन में ऐसे सियासतदानों को प्रमोट करेंगे कि जो उनकी उनकी मर्जी की बात करेंगे। और जब उसने, हकीम सईद ने अपनी किताब में उस वक्त इमरान खान का जिक्र भी कोई नहीं था, तो जब जिक्र आया तो एक हफ्ते के बाद हकीम शहीद को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया। उसके बाद डॉक्टर इसरार जो एक आलमे दीन थे, बहुत बड़े आलमे दीन, जिनको दीन से अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ था कि हर शोबे के अंदर लोग रहनुमाई हासिल करते थे, उन्होंने अपनी तकरीरों में, ये जितने नौजवान बैठे हैं निकाल के देख लें, उन्होंने भी यही इसी डॉक्टर हकीम शहीद की बात को इंडोर्स किया था। और उन्होंने कहा था कि एक ऐसे शख्स को ये लेके आ रहे हैं यहूदी, क्योंकि इन्होंने सारा इलाका जितना भी अपने कब्जे में कर लिया माशी तौर पर, वाहिद ये खित्ता है कि जो आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं करता। यहूदी एक ऐसी नस्ल इस दुनिया में अल्लाह ने भेजी है कि जिसका एक छोटा सा एक नमूना हिटलर ने बताया था, कि हिटलर ने जब जर्मनी में तमाम यहूदियों को जिंदा जलाया था तो चंद यहूदी उसने छोड़ दिए थे, तो उसने कहा था कि ये जो आज लोग पूरी दुनिया मुझे कह रही है कि ये बड़े जालिम है, तो ये आपको साबित करेगा ये मेरा एक्ट कि ये लोग इस धरती के ऊपर इतना फसाद मचाएंगे कि इंसानियत के लिए खतरा बन जाएगा। आज आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि यहूदियों ने पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो उसके ऊपर उसका कब्जा है, और आज वही ममालिक, अरब ममालिक देख लें कि डॉक्टर सईद साहब ने, डॉक्टर इसरार साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि ये सारे अब उसके शिकंजे में आ चुके हैं। हमारा बड़ा इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है सऊदीया के साथ, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता उनके कानों में भी कहा जा रहा है कि ये हमारे कज़न लगते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमने ये इलेक्शन सिर्फ वज़ीर आज़म बनाने का नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 दफ़ा बन चुका था, इससे आगे और क्या करना है।
आज हमने इस मुल्क की सालमियत के लिए, मैं भी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के नजदीक था, सेहत इजाजत नहीं देती थी, लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि ये मुल्क जिसने हमें इज्जत दी, रिस्क दिया, नाम दिया, अगर हम घरों में बैठ के और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अगर अपना रोल अदा ना किया, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती हुई। मैं फिर निकल पड़ा और आज अल्लाह की मेहरबानी से बेटा मेरा और हाजी परवेज साहब आपके सामने साफ सुथरी क़यादत, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। और ये जो नौजवान जो पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि 1,00,000 नौकरियां वो कहाँ गई, एक होप दिलाई गई, 1,00,000 नौकरियां और 50,00,000 घर बना के देगा, कोई एक शख्स उठ के बता दे कि अगर किसी को नौकरी मिली हो, किसी को कोई घर सर छुपाने के लिए घर मिला हो, मेरे भाइयों ये एक ऐसा टोला आ गया था कि यहूदियों का ये पैरोकार था, और इसमें कोई शक नहीं। आप डॉक्टर इसरार को सुने, जब शादी नहीं हुई थी तो डॉक्टर इसरार ने पहले ही बताया था कि गोल्ड स्मिथ जो यहूदियों का मेन एक बहुत बड़ा पिलर समझा जाता है, उसके घर इसकी शादियों की तैयारियाँ हो रही। आपने देखा लोगों ने उसको मुस्तरद किया 2-3 इलेक्शनों में, लेकिन नई नस्ल जब आई इनको पता ही नहीं था कि ये किस एजेंडे के तहत ये शख्स इस मुल्क में मुसल्लत किया गया। इस मुल्क के एक इदारा ऐसा बचा था फौज का कि जिसको इसने तहैया किया हुआ था कि इस मुल्क की जो फौज है उसको कमज़ोर किया जाए। यकीन जानिए आज हमारी अगर फौज कमज़ोर हो जाती तो आज इस मुल्क के वो हाल होता कि जो आज फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ। आज हमारे अड़ोस पड़ोस में आप देखें कि इंडिया ऐसे फन फैलाए खड़ा हुआ है, इतना पैसा हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में लगा रहा है कि वो भी आज हमारी जान के दुश्मन बने हुए। मेरे दोस्तों आज आपने एक ऐसी क़यादत लेके आनी है कि जो इस मुल्क की सरहदों की भी हिफाजत करे और इस मुल्क को तरक्की के मनाजिल भी तय कराए, क्योंकि आज ये लोग जो लोकल सतह पे आप देख रहे हैं कि आज तक रावलपिंडी शहर में मेट्रो से लेके हॉस्पिटल्स, सड़कें जो भी बनी, ये मियां नवाज शरीफ के दौर में बनी। अगर ये 4 साल 2 साल 2 इनका उठा लें, एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट, ये यूरोलॉजी था, आधा बना हुआ था, ये हॉस्पिटल सिर्फ मशीनरी आके पड़ी हुई थी, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी कि वो मशीनरी इंस्टॉल कर सके। ये 16 महीने के लिए शहबाज शरीफ आया, जितने बंद अस्पताल से वो चला के चला गया। तो मेरे दोस्तों आपको वो लीडर चाहिए कि जो सबसे पहले इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे, अपने नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद की किरण लेके सामने आए, इस मुल्क के अंदर ऐसे मंसूबे लेके आए कि नौजवान बच्चियों को बाइज्जत रोज़गार मिले। मेरा बेटा क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, इंशाअल्लाह नौजवानों के साथ मैं एक अलग से मीटिंग रखूँगा, जो 30 साल से जो लड़के हैं 25-30 साल के, उनके साथ मैं हर वार्ड के अंदर एक अलग से मीटिंग रखूँगा और उनसे तजवीज़ भी दूंगा और उनको बिठा के वो ऐसे मौके हम इंशाअल्लाह मुहैया करेंगे जिसमें हमारे इलाके की बच्चियां और बच्चे जो घर का एक सरबराह जिस तरह होता है उसको दस्त बाजू बन सकें, और उनके लिए अपने घर का जो बोझ है वो उठा सकें। आज नौजवान डिग्रियाँ उठाए यकीन जाने फिर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। आज प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ऐसे काम हैं कि घर बैठे बंदा 40-50,000,00,000 रुपया कमा सके। तो अगर ऐसे इस तरह के मौके फराम हों, इस तरह की अगर लोगों को सहूलतें मिले, मैं एक स्कूलों के सिस्टम पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियाँ, सब ने मास्टर डिग्री हासिल की, मेरी 2 बेटियाँ डॉक्टर हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इलाके के वो बच्चे जो इंग्लिश स्कूलों की फीस नहीं भर सकते, दानियाल ये रूट शूट से बहुत अपर क्लास का है, फीसें उसकी ज़्यादा हैं, लेकिन
मैं उसके साथ साथ वही सिलेबस अल्लाह की मेहरबानी से हम पढ़ाएंगे कि बहुत जल्द मैं ये झंडे में एक स्कूल बनाने जा रहा हूँ और उसमें गरीब के बच्चों को लेंगे और लेंगे मॉन्टेसरी से ताकि उसकी बुनियाद बना सके। हम कोई सरकारी फंड से ये स्कूल नहीं बनाएंगे, हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा ये फर्ज बनता है कि उसमें अल्लाह की मखलूक का हिस्सा भी होना चाहिए इंशाल्लाह। और ये ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि मछली ना किसी को दो, जाल दे दो ताकि वो मछली खुद पकड़ के ले आए और खुद भी उससे वो अपनी जरूरत पूरी करे और साथ अहले इलाका की भी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो अपनी जेब से, चाहे मदारस की शक्ल में हो चाहे स्कूलों, दानियाल अपने स्कूल में महंगा स्कूल है, हालांकि उसमें उसने 10% कोटा गरीबों का रखा हुआ है, लेकिन एक ऐसे इदारे हम बनाने जा रहे हैं कि जिसमें 100% हम बच्चों को फ्री तालीम देंगे। तो मेरे भाइयों, एक तो ज़ाती हैसियत में इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे, तमाम जमातों से बालातर होकर आपने ये इस दफ़ा साबित करना है कि जिस तरह दो तहाई अक्सरियत आपने मियां नवाज शरीफ को दिलवाई थी, इस दफ़ा भी इस मुल्क की खातर एक वोट डाल के दी। आपने पिछली दफ़ा एक झूठ का वो एक वो जर्मनी में ये जब जंगों में जो एक ये जो थ्योरी ईजाद हुई थी कि झूठ बोलो और इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, इन्होंने झूठ, ये पिछली जो हुकूमत है इन्होंने इतना झूठ बोला कि वो सच लगना शुरू हो गया। मेरे भाइयों, हम बाशऊर लोग हैं, रियासत मदीना बनाने के लिए क्या रियासत मदीना ये गवारा करती है कि अपनी बेटियों को अपनी बच्चियों को, ये आपने देखा था जो धरने के दौरान होता था, क्या हमें रियासत मदीना ये इजाज़त देती है? हमारे एक साहबा थे, उन्होंने उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि अपने वालद से कि मैं कितना हिस्सा अपना ढांप सकती हूँ और कितना हिस्सा नंगा रख सकती हूँ, तो उनके वालद ने जवाब दिया था कि जितने जितने हिस्से पे आप आग जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उतना हिस्सा नंगा कर। तो दीन तो हमारा ये सिखाता है कि अपनी माओ बहनों बेटियों को पर्दे में रख के उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाओ, ना कि फाशी और रियानी। हम आने वाली नस्लों के लिए यकीन जानी लोगों के घर बर्बाद हो गए कि लोगों को इतना मॉडर्न कर दिया। हम बेसिकली एक देहाती लोग और कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और जिस मुल्क में हम रहते हैं ये मुल्क हमें किसी खैरात में नहीं मिला, हमें ये मुल्क बड़ी जद्दोजहद के बाद और जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनको एक ही उनका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ पे इस्लामी कानून होगा, इस्लाम की बात होगी, इस्लामी तरीके से ज़िंदगी बसर करने के तरीके मुहैया हो जाएंगे। अगर तो कोई लीडर इस तरह की ज़िंदगी हमें दे तो बिस्मिल्लाह, और अगर हमें कोई नंगा करना चाहे तो ऐसी सियासत से हम बात करें। इंशाअल्लाह बड़ा जलसा होगा, उसमें तफसील से बात करेंगे। आप तमाम भाइयों का कि जो पार्टियों से बालातर होकर जिन्होंने हमारी इज्जत की, हाजी परवेज दानियाल यहाँ पे आना था, आज उसने एक दो जगह मीटिंग की तो मैंने कहा मैं खुद यहाँ पे हाजिरी देता हूँ कि वो नहीं आ सका, इंशाल्लाह अगले जलसों में वो आएगा। तो आप देखेंगे कि आपके इलाके में जब भी आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो जब कहेंगे ना ये हमारा नुमाइंदा है, इसको हमने वोट दे के MLA बनाया है, MPA बनाया है, तो इंशाल्लाह आपका सर फख्र से बुलंद होगा। मैं और हाजी परवेज साहब का, चौधरी चंगेज साहब का, चौधरी सिकंदर साहब का और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब इधर बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं जी। और इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह दोस्तों बाबों के साथ अपनी पूरी बरादरी के साथ N57 से ब्रिस्टर दानियाल साहब का जो सारा मैथ का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह ताला कदम ब कदम उनके साथ है। इंशाल्लाह ताला हमारा जानी माली हर तावन हाजी परवेज साहब के साथ और मिनिस्टर दानियाल साहब के साथ। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर। ये आप सब भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए। शरीफ एक ऐसी
हस्ती है ना कि जिसका हम लोग कभी शुक्रिया अदा नहीं, शुक्र गुजार हैं उनके हम कि उनने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है, हमारे लिए रोड बनाए है, हर सहूलत दी है हमें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उनका बहुत शुक्र गुजार हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इधर दोबारा वज़ीर आज़म बनाए, अल्लाह ताला उन्हें हर मेरा नाम जी सैयद आबिद अली है, NH56PP11 से जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि कोई नून लीग है, कोई पीपल पार्टी है या जो भी जमात है। हमारा जो है मौक़ ये है कि नौजवान नस्ल के लिए इन्होंने क्या किया है, ठीक है। जो नौजवान नस्ल के लिए बेहतरी चाहेगा हम इंशाल्लाह वोट उसको देंगे, ठीक है। किसी भी पार्टी से हमारा मुखालफत नहीं है कोई, बेशक हमारा मौक़ सिर्फ ये है कि गरीब आवाम के लिए क्या किया, जिस जमात से हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं, ठीक है। और बाकी हम उसको वोट देंगे, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए। तो बाकी हम NH57 से दनियाल चौधरी साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, इस हलके की एक ही आवाज़ है दनियाल चौधरी साहब। हाँ जी, दनियाल को, दनियाल चौधरी की वोट देसा जी। नवाज शरीफ ना MNA आ, दनियाल चौधरी की वोट देसा। नवाज शरीफ ना MNA आ, नवाज शरीफ ने इस मुल्क जेड़े जेड़े काम किए कोई लीडर आने तक नहीं साढ़े सामने आया। हम किसी नवाज शरीफ को नहीं जानते और किसी इमरान खान को नहीं जानते। चौधरी तनवीर खान जिंदाबाद। हाँ जी, हाँ किस चीज़ ने डरना, चौधरी तनवीर खान जिंदाबाद। अल्लाह ताला कामयाब करे दनियाल साहब की, चौधरी तनवीर साहब की कामयाब करे इंशाल्लाह। वार्ड 3 का मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। अगर सूरत हाल देखी जाए मुल्की हालात की तरफ तो मेरा ख्याल कि नवाज शरीफ से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं, और शेर के निशान को वोट देंगे इंशाल्लाह, शेर को वोट देकर कामयाब करेंगे जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये जो बयान उन्होंने दिया है, इस टाइम जो हालात देखे जाएँ तो शेर ही बेस्ट आ रहा है सबसे आगे, समझ आई, क्योंकि बल्ला तो चकना चूर हो गया ऑलरेडी। मैं चौधरी तनवीर को वोट देता हूँ, तो मैंने शेर को एक तो वोट देना है और साथ चौधरी दनियाल को देना है, और जो चौधरी तनवीर अंकल हैं वो जो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो प्यारे हैं, अच्छे आए थे अभी हमारे इधर आए थे इस वजह से। तो बस चूँकि चौधरी तनवीर साहब आए थे, ये पहले भी इनके नून के काम हो चुके हैं। 10 साल तक PTI जब इधर था तो उसने कोई काम नहीं किया, कोई एक आदमी नहीं बता सकता। तो हम आवाम के कामों के लिए, ये छोटे गरीब आबादी है, इनको गली की ज़रूरत है या उनको गैस की तकलीफ़ है या पानी का तकलीफ़ है, वो ये नून ही हल करती है। तो भाई यही सियासत है हमारे मोहल्ले की, और यही भाई काम शुरू तो नून ही जा कराने नहीं, बस सारे काम करा के तेरे कोई काम नहीं रह गया, काम सारे नून कराए रहे, PTI एक काम नहीं कराया, सवाई गाल कट ले तो होना हो और काम किया ही कोई नहीं। नवाज शरीफ को वोट देंगे दनियाल अजीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सारे बंदों का, और इसलिए वोट हमने देनी है शेर को, और शुरू ये शेर के हैं, और जो काम है मियां नवाज शरीफ ने किया आज तक किसी बंदे ने नहीं किया, और आने वाला वक्त नवाज शरीफ का है। आपने 4 साल पहले ये देखे, महंगाई का देखे क्या हुआ है, और टैक्सों में क्या हुआ है, और कुछ भी नहीं वो किया उन्होंने, सिर्फ यही है 2 करोड़ घर दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। उसके अलावा आप लोग सब मीडिया हमारी भाई हैं वो सब बेहतर जानते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया गया, बस लॉलीपॉप दिया है वो जो करें। और 4 साल में जो 16 महीने में मियां शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए बेहतरी करने की कोशिश पूरी की और की है, और आप ये देख लें कि उन्होंने ये पेट्रोल किधर था, कहां तक पहुंच गया है, डॉलर कहां आया है। तो इंशाल्लाह आगे मियां साहब को वही बात है, आगे चौधरी साहब ने कहा है कि उनको ज़रूरत नहीं है चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की, या पैसा नहीं बटोर रहे हैं, सिर्फ वो ये इस मुल्क की इस्लामियत के लिए और उस मुल्क के लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान
एक बार हमारा जिंदा हो और पाकिस्तान के साथ हमारी ज़िंदगी है, हम इस मुल्क में बैठे हुए हैं और यही मुल्क हमारा तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाना चाहते हैं। आप सी पैक देख लें, मियां नवाज शरीफ के काम देख लें, इन्होंने चार साल क्या किया है। हमारी वोट, हम पैदा हुए हैं जब से वोट संभाली है, मुस्लिम लीग के साथ हैं हम, मुस्लिम लीग को वोट दें उसकी वजूहत है। इस यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जितने भी काम हुए हैं ना, अब खा वो रोड है, मेट्रो है या कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, जो भी है, ये हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। तो इस वाले से हमारा वोट जो है हमायत सारी मुस्लिम लीग नून के साथ। हल्का कौन सा आपका उम्मीदवार कौन है? हमका NA 57 और PP 19 है। उन PP 19 में हम देंगे हाजी परवेज खान को और NA 57 में हमारा वोट जो है वो मिलेगा दनियाल चौधरी को। आगे आप वोट किसको देंगे? वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे। और उम्मीदवार कौन कौन है आपके? रजिस्टर दानियाल चौधरी है और MPA के उम्मीदवार है हाजी परवेज खान। आप नून लीग को वोट देंगे? ये अगर चौधरी ख्याम बोल रहे हैं जी, मैं हल्का 57 इलेक्शन हो रहे हैं तो असं इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून देंगे। इस वास्ते कि इन्होंने बड़े काम किए ने जड़े अज तक किसी किते ही नहीं। पिछला दौर ही तुम देखे है बेरोजगारी, तो इस वास्ते असं इन्होंने लैके आए शरीफ आदमी ने। दनियाल साहब हैं, एक दो दनियाल चौधरी तनवीर साहब के बेटे हैं, तो हाजी परवेज साहब हैं, दोनों अच्छे आदमी हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नून जो है बारी अक्सरियत से जीतेगी।